हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल 4। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट। ओके, तो जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन लेना पड़ेगा। तो हमारा जैसा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन हम दे देंगे 40 एंड वन वन जीरो। देन फीचर एंड एक्सट्रूड करना है हमें। यहाँ पे डायरेक्शन आगे है लेकिन मैं यहाँ पे पीछे डायरेक्शन लेना चाहता हूँ, और वो भी 40 mm। सो ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे कट करना है, और वो भी स्ट्रेट स्लॉट में कट करना है। तो पहले प्लेन सिलेक्ट करेंगे, देन नॉर्मल टू, और यहाँ पे मैं स्लॉट ले लेता हूँ। वर्टिकल हाइट में कितना डिस्टेंस चाहिए, तो लेट्स सिलेक्ट अ डायमेंशन एंड पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द स्लॉट टू द टॉप हाइट, इट इज़ 25। एंड सेम डायमेंशन पॉइंट टू द एंड लाइन 25 एंड सेंटर टू सेंटर दैट इज 60। ओके, देन ये जो डिस्टेंस है दैट इज 30। ओके, और ये जो लाइन है वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, एस्केप देन सेंटर लाइन सिलेक्ट की, एंड यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, सॉरी कंट्रोल दबाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोलिनियर, मेकअप कोइंसिडेंट नहीं आएगा लेकिन सॉरी रोड जेड, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे डायमेंशन ले लेंगे। यहाँ पे ये और ये लाइन के बीच का जो डायमेंशन है वो हम ले लेते हैं, और वो होगा 20 mm। सो हियर 20। ओके, अब आ गया सेंटर में। ओके, देन अप्लाई एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, थ्रू ऑल कट करना है हमें। सो ओके, इतना हो गया। उसके बाद हमें आना है ये प्लेन पे। सो स्केच एंड नॉर्मल टू, और यहाँ पे 60x30 का हमें डिस्टेंस लेना है, रेक्टेंगल लेना है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट से मैं अभी ले लूँगा। 60 हाइट है और 30 विड्थ है। सो सिलेक्ट एंड लेट्स गिव द डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज 60 एंड दिस डायमेंशन इज 30। एंड ये जो रेक्टेंगल है वो हमें सेंटर में चाहिए। सो ये सेंटर से ये लाइन का जो डिस्टेंस है, टोटल जो हाइट है वो हमारी 110 है। सो 55, सो वी हैव टू टेक इट एज अ 55। सो सेंटर में आ गया। ओके, देन वी हैव टू एक्सट्रूडेड
बॉस बेस एंड जो टोटल एक्सटेंशन है वो यहाँ पे 60 mm है। ओके सो ड्रॉ कर दिया हमने 60 mm। ओके तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद ओके देन ये फेस पे मुझे ड्रॉ करना है। सो सिलेक्ट स्केच एंड कंट्रोल 8 और उसका जो सेंटर है वहाँ से मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल कितना ड्रॉ करना है मुझे 50 का। सो लेट्स टेक अ डायमेंशन। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो डायमेंशन से करनी पड़ती है। सो आप डायमेंशन का यूज़ बार बार आएगा। और ओके एंड फीचर एक्सट्रूडेड कट जब आएगा तो एक्सट्रूडेड कट में हम नेक्स्ट फेज तक कट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि 60 mm ऑलरेडी दिया है। सो ओके ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। आप साइड में कोई भी जगह क्लिक करोगे तो ये सर्कल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। सो स्केच एंड नॉर्मल 2 और यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा लेकिन सेंटर में नहीं करना है मुझे। मुझे वो जो डिस्टेंस है वो 40 mm रखना है। ओके तो यहाँ पे दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। ओके एंड स्मार्ट डायमेंशन में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो है 40, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो भी 40 है सर्कल की, और उसका जो डायमीटर है वो भी 30 है। ओके सो ये जो है ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस वो भी 30 लेना है मुझे, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस। एक मिनट, अगेन हम ले लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन। सेंटर डिस्टेंस टू दिस लाइन एंड इट इज 15। ओके ओके और इसका जो डायमेंशन आएगा सर्कल का जो डायमेंशन आएगा वो भी 30 है और उसके इनर डायमेंशन है वो है 15। सो 15 एंड फीचर एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसका जो हाइट हमें लेना है दैट इज 40। ओके सो यहाँ पे ओके आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक और कमांड हमें यूज करना है दैट इज रिब, ठीक है, लेकिन रिब में क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे रिब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ प्लेन और या तो प्लेनर फेस एज ऑन विच टू द स्केच ऑफ फीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है, वो प्लेन पे वो ड्रॉ करेगा। अब जब हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले रहे हैं तो वो जो फ्रंट प्लेन है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वो फ्रंट प्लेन ये फेस पे है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो प्लेन है वो हमें सेंटर में रखना है। सपोज मुझे यहाँ पे रिब ड्रॉ करना है तो वो प्लेन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिब पॉसिबल है होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो प्लेन है वो अभी इस फेस पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस जियोमेट्री में जाके प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्लेन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, जो फ्रंट प्लेन है, ठीक है, और जो सेकंड रेफरेंस प्लेन है, तो यहाँ पे मैं ये जो फ्रंट प्लेन है उसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस जो प्लेन है हमारा वो ये होगा। और अगर दूसरा जो अगर हम लेंगे, मैं अगर दूसरा ये लेता हूँ तो उसका सेंटर प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, सेंटर प्लेन हो गया, देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ये जो प्लेन आया वो उसका सेंटर प्लेन होगा। फिर से बता रहा हूँ, फेस वन ये लेंगे और फेस टू जो है वो ये बैक वाला लेंगे, तो जो भी प्लेन जनरेट होगा वो उसके सेंटर का होगा। ओके तो अब यहाँ पे जो ये है ये प्लेन आ गया वो आप देख सकते हो वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, जो दोनों सर्कल है उसके सेंटर में है। तो कंट्रोल 8 करेंगे और उसके बाद
जब हम स्केच करेंगे, ठीक है, तो स्केच हम यहाँ पे करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट से थोड़ा अंदर की साइड से स्केच करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब स्केच करेंगे हम तो ये पॉइंट से थोड़ा नीचे रखेंगे यहाँ, ठीक है, देन क्लिक ओके। और जब ये किया उसके बाद जब आप रिब पे सिलेक्ट करोगे रिब, तो यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, मतलब कि ये इस साइड जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लिप मटेरियल साइड, ठीक है, और 10 mm का यहाँ पे रिब दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे मैं 8 mm ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे देता हूँ ओके। यहाँ पे द रिजल्टिंग रिब डिड नॉट इंटरसेक्ट द एग्जिस्टिंग मॉडल, ठीक है, मतलब कि जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है वो एग्जैक्टली नहीं आ रही है, ये इसका मीनिंग ये है। तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल जेड कर देते हैं और कंट्रोल 8 करके फिर से ड्रॉ करेंगे, देखते हैं ओके। यहाँ से और यहाँ पे ये पोर्शन से थोड़ा नीचे ले लिया दूसरा, ओके। अब रिब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, रिब फ्लिप द डायमेंशन 8 mm एंड ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिब आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह बन जाएगा। साइड में क्लिक करोगे या तो आप ये प्लेन पेज आपके राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हो, ओके। सो इस तरह से हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दूसरे ट्यूटोरियल के लिए और सॉलिडवर्क सीखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।